आज बात करते हैं सपनों की। हम अपने सपनों के साथ कैसे जी सकते हैं। लोग कहते हैं आपको पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आप कोशिश भी करते हो, लेकिन कई बार आप मेंटेन नहीं कर पाते। पहले तो हम इसी चीज़ पे बात करते कि मेंटेन क्यों नहीं कर पाते। मेंटेन ना करने का कारण ये था, हमने कुछ सोचा था, सडनली कोई और चीज़ आ गई और फिर हम उसके बारे में सोचने लगे। जब उसके बारे में सोचने लगे तो जो हम चाह रहे थे वो हम कर नहीं पाए। तो पहला कंक्लूजन तो ये निकला कि हम अपने फोकस पे स्ट्रांगली नहीं खड़े थे। चलो मान लेते हैं कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, कितने दिन की थी, कितने महीनों की थी। यहाँ तो ये होता है कि सुबह उठना सोचा था और कोई दोस्त आ गया था, इसलिए हम उठ नहीं पाए। क्यों? हम रात को लेट सोए थे। अगले दिन क्या हुआ था, उसके अगले दिन क्या हुआ था। पहली चीज़ तो ये है, जब आप किसी रिदम से टूटते हैं, पहले तो उस चीज़ को मेंटेन करना, और जब आप उस रिदम से टूटते हैं ना, तो आपको उस रिदम पे वापस आना। अगर आप पढ़ाई भी लेके बैठे हैं और आप ब्रेक लेने बैठे हैं, आपका ब्रेक है 15 मिनट का, तो 15 मिनट बाद आपको वापस आना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको वापस आना है जब आप भटकते हैं, क्योंकि आपको पता है आप क्या चाहते हैं, आपके सपने क्या है। दूसरी चीज़ है, सपनों के साथ जिया कैसे जाए। सपनों के साथ जीने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा मैंने और मुझे मिला कहीं से, ये तो नहीं कहूँगा मेरा अपना है। आप एक लिस्ट बनाओ, 7-8 पॉइंट्स लिखो और उन पॉइंट्स में ये लिखो कि आप चाहते क्या अपनी लाइफ से, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सही है, वो गलत है। जब और आप एक श्योर हो जाओ ना, दो चीज़ें कहेंगे इसको, पहले एक आप लिस्ट बनाएं और फिर इसको विजुलाइज करें। विजुलाइज